नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानेंगे कि जो कच्ची हल्दी होती है, जो टर्मरिक होती है कच्ची, उसकी सब्जी कैसे हम बनाएं। तो देखिए, दूध में डालकर सभी प्रयोग करते हैं और मैं तो कहता हूं कि यह बहुत ही एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, मतलब एंटीऑक्सीडेंट, कई गुणों से भरपूर होती है। और सर्दी के मौसम में यह जो कच्ची हल्दी होती है, यह जैसे कहते हैं ना, गरीबों का बादाम है मूंगफली, इसी प्रकार कच्ची हल्दी गरीबों का शिलाजीत कह सकते हैं। क्योंकि शिलाजीत जो मैदानी इलाके हैं वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ उसकी उपज नहीं होती है, कच्ची हल्दी की बहुत उपज होती है। शिलाजीत जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है और आजकल शुद्ध शिलाजीत का मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। और जांच परख हम कर नहीं सकते कि कौन सी वैरायटी है या कौन सा ये शिलाजीत है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जो कच्ची हल्दी है वो आपको शिलाजीत से भी ज़्यादा फायदा दे सकती है। आयुर्वेद में कहते हैं कि शिलाजीत एक ऐसी औषधि है जो शरीर के हर अंग पर काम करती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्ट सिस्टम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, यानी जितने भी सिस्टम है बॉडी में उन सब पर काम करती है, सभी तंत्रों पर, सभी संस्थानों पर काम करती है। ऐसे ही जो कच्ची हल्दी है वो भी शरीर के हर तंत्र पर काम करती है, शरीर के हर अंग पर काम करती है। इसलिए ही इसे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर माना गया है। तो कच्ची हल्दी आप दूध में डालकर लेते हैं, इसे गोल्डन मिल्क कहते हैं। लेकिन सब्जी कैसे बनाएं, यह महत्वपूर्ण बात है। अगर सर्दी में हफ्ते में एक दिन इसकी सब्जी खा ली जाए तो पूरा परिवार सर्दी से बच सकता है। आप बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सभी इसकी सब्जी खा सकते हैं। तो देखिए, इसकी सब्जी बनाते कैसे ये हम जानते हैं। मेरे पास ये कच्ची हल्दी है, आप देख रहे हैं, आपको मैं पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। ये जो कच्ची हल्दी होती है इसको छीलना पड़ता है, इसको हल्के हल्के चक्कू से छीन लेंगे, हल्का हल्का, जैसे आप आलू छीलते हैं इसी तरह से ये छिल जाती है। छीलने के बाद इसके टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसको घी में तलना होता है। जैसे आप कई चीज़ें तलते हैं घी में या भूनते हैं घी में, ऐसे इनको तलना है कढ़ाई में, या जो आपका सब्जी बनाने का पात्र है उसमें इसको तलना है। तलने के बाद उसको फिर उतार लेना है, हल्दी के जो पीसीज हैं उनको बाहर कर लेना है, जो घी है, जो हमने हल्दी को तला है उसको, जो बाहर निकाला था उसको छूक लगाना है उसी घी में, जैसे दूसरी सब्जी का दाल का लगाते हैं या दूसरी सब्जी जो होती है उसका छोंक लगाते हैं, उसका तड़का लगाते हैं, इसी तरह से इसको पहले भून कर और फिर वापस उतार कर पुनः उसमें छोंक लगाना है, यानी तड़का लगाना है। तो बस ये हो गई आपकी सब्जी तैयार, और फिर आपका पूरा परिवार आप खाइए। बच्चों को फिर कहीं भी ये हल्दी की सब्जी खाने के बाद बच्चों को कोई भी मांसाहारी चीज़ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स, कुछ अधिक पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि अंडे खिला देते हैं, मांस खिला देते हैं, उनसे भी ज़्यादा लाभकारी है। मांस खिलाते हैं बहुत लोग अपने बच्चों को ताकि सर्दी से उनका बचाव हो जाए, बार बार बच्चे को ठंड ना लगे। आजकल बड़ी समस्या है, बच्चों को ठंड बहुत लगती है, थोड़ा सा बाहर निकला बच्चा, थोड़ी सी हवा लगी, ठंड लग गई, खांसी, जुखाम, बुखार, पेट दर्द, सर दर्द, तमाम तरह की प्रॉब्लम। और कुछ जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अंडे बहुत खिलाते हैं या फिर दूसरी मांस वगैरह दूसरी चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ और ज़्यादा उपयोगी चीज़ हल्दी है। हल्दी की सब्जी बनाकर आप बच्चों को खिलाइए, दूध में डालकर आप खिलाइए, मैं कहता हूँ बच्चों को पूरी सर्दी निकल जाएगी, कभी भी जुखाम, खांसी, बुखार नहीं होगा। साथ में दो तीन आसन और प्राणायाम जरूर करवाइए आप। एक सूर्यभेदी प्राणायाम होता है, मैं बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं एक वीडियो में। सूर्यभेदी प्राणायाम आपको करवाना है और इसकी हफ्ते में एक बार
या कोई ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा ठंड लगी हुई है, तो हफ्ते में 2 बार सब्जी बनाकर आप हल्दी की खिलाइए। दूध में आप दोनों टाइम इसका सेवन करा सकते हैं, साथ में कुछ च्यवनप्राश आदि भी ले सकते हैं। तो देखना आपके बच्चों को या बुजुर्गों को सर्दी कम लगेगी और वो पूरे हेल्दी और पूरी सर्दी में फिट एंड फाइन रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत